लगमा में हुई मारपीट में चार लोग घायल। डीएमसीएच रेफर। समस्तीपुर जिले के सिंधिया थाने के लगमा ग्राम में हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गया है। बताया गया कि बच्चों बच्चों में हुई झड़प को लेकर बच्चों के परिजनों ने मारपीट किया, जिसे दिलीप सिंह, उसके पत्नी रिंकी देवी एवं पुत्र अजित सिंह घायल हो गया। अजित और दिलीप का शर फट गया है। वही पप्पू सिंह से बाएं हाथ के 3 अंगुली कटकर साफ हो गई है। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधिया में भर्ती किया, जिसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर रहने के कारण दिलीप सिंह, अजित सिंह को डीएमसीएच रेफर कर दिया है। फिलहाल दिलीप सिंह की स्थिति नाजुक बताया गया है। समाचार प्रेषण तक मामला दर्ज नहीं की गई थी। न्यूज बाय के संजय। बच्चा खातिर झगड़ा लड़ाई भेल रहे, पर गाइड पढ़ते रहे हमर लड़का ने कहलके कि जे तू जे गाइड जे पढ़े छक से तोरा किए ना करे छक, तू हमे आर अथी कर लियन। बच्चा खातिर अथी भेले, बस वएह पर की कहलके सब मिलकर मारे आर भिड़ गए। ओकर बेटा बेटी सब मिलकर कनिया सब मिल गए मारे। वो बात शांत भए गेलै। ओकर बाद फिर हम गाँव घर के सब अंगना घर के सब शांत कए देलकै बच्चा के। आ तकर बाद की कहलकै भाई के बोलेलकै, भाई के नहि सिरुआ से 5 आदमी अयलै हन वहाँ से अथी आर के साथ अयलै हन, सामान उमान के साथ सब अयलै हन। ओकर बाद यहाँ पघड़िया लाठी चलबै, हमसब माल भैंसी पोसै वाला कुट्टी काटैत रहियै, हमर लड़का पढ़ैत रहै, सब मिल के घर घुस के कटनाइ चालू कए देलकै। कैसे मारलकै? 6 आदमी रहै, पप्पू सिंह रहै, ओकर बाद संजीतबा रहै, सुजीतबा रहै, सुनीलबा रहै, एगो लीलम सिंह के पोता छै, ओकर कुछ नाम छै नहि ते नहीं अत जानै छियै, निगम सिंह के पोता है, ओकर बाप के नाम जानै छियै सुशील सिंह छै। आइब ओकरे साइड के वार्ड लड़का 5 आदमी से अयलै हन सिरुआ से। अहाँ के नाम भेल? हमर नाम रिंकी देवी। घर लगमा सब के हमरा परिवार के बेटी के सब के मार के डंगा देलकै। हमे हुआ से अयलियै, हमहूँ गोसा पिता पर रहियै,